नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को जो पीडीएफ में है उसे ऑनलाइन कैसे एडिट करते हैं। पूरा स्टेप बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सर्च करना है सबसे पहले पीडीएफ एडिटर, और यहाँ पर देखिए हमें ये पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी, इजी टू यूज ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये अपलोड पीडीएफ फाइल यहाँ ऑप्शन आ गया है। और इस वेबसाइट की एक खास बात अच्छी ये है कि यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता है। यहाँ आप एक घंटे में 3 बार फ्री में एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर अपलोड पीडीएफ फाइल करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी जगह आपने पीडीएफ फाइल बना के रखी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। अभी देखिए हमने इसे ओपन कर लिया है, अब ये लोडिंग हो रहा है। देखिए ये जो हमारी पीडीएफ फाइल थी वो यहाँ पर ओपन हो गई है। इसमें एक और खास बात ये है कि आपके पीडीएफ फाइल में जो भी फॉन्ट होगा आपके हिंदी का, इंग्लिश का, तो ये क्या करता है उसी फॉन्ट को डिटेक्ट कर लेता है और वही सेम फॉन्ट आपको इसमें मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसकी जगह दा करना चाहते हैं तो यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे और हम दा लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉन्ट को उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ से हम 0 को हटा के 21 कर देंगे, यहाँ 22 कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पीडीएफ एडिट करने के लिए बेस्ट वेबसाइट है। और मैं आपको बता दूँ इसकी खास बात है, तो यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इटैलिक करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज बदलने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फॉन्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है। आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट की मदद से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक का ऑप्शन है, ये यहाँ पर देखिए ऊपर लिंक का ऑप्शन है। यदि आप किसी वर्ड में लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जिस भी जगह वर्ड में आपको लिंक ऐड करना है उस वर्ड को ऐसा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप किसी इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना साइन लगाना चाहते हैं तो साइन भी लगा सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है, न्यू सिग्नेचर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे आप अपना नाम यहाँ लिख कर भी सिग्नेचर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे, इस तरीके से आप ऑटोमेटिक सिग्नेचर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ड्रॉ करके भी सिग्नेचर लगा सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसा भी आप चाहो। इसके बाद आप अपने कागज पेन पे लिख कर यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद या फिर कैमरे से, अगर आपका वेबकैम लगा हुआ है तो आप यहाँ से अपना सिग्नेचर को फोटो खींच के और कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी सुविधा जो है हमें एक ही वेबसाइट में मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से इस वेबसाइट की मदद से पीडीएफ एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप अप्लाई चेंजेस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा योर टास्क इज प्रोसेसिंग और नीचे आपके जाएंगी पीडीएफ फाइल जो लोडिंग हो रही है। देखिए ये हो गई है कंप्लीट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ से आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि ऑनलाइन पीडीएफ कैसे एडिट करते हैं, तो जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।